बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम और मैं आज आपको बताऊंगा लाइट इंटरनेट बैंकिंग आप अपने कंप्यूटर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप इस पर कैसे रजिस्टर हो सकते हैं और अपने फंड्स को अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपने अकाउंट से मुतलक पूरी तरह से कैसे आगाह रह सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ ब्राउज़र ओपन कर लें। तो यहाँ आपने सर्च बार में अलाइट इंटरनेट बैंकिंग इधर करना है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने अलाइट डायरेक्ट बिजनेस इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो नेक्स्ट आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लॉग इन टू माई ए बी एल यहाँ क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, इस पर यहाँ आप ये पूरी डिटेल को पढ़ सकते हैं उर्दू में करके। तो उसको आपने प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ आपने जॉइन नाउ पे आ जाना है, यहाँ इसको क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड का जो नंबर है वो दर्ज कर लेना है। तो यहाँ मैं अपना दर्ज करूँगा। तो यहाँ पे आपने जो भी आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं वो रखना है। मैं डल कर रहा हूँ। तो यहाँ आप जो नंबर अभी यूज़ कर रहे हैं वो इधर करना और जो आपने अकाउंट नंबर है जो आपने ओपन करवाया है बैंक में वहाँ पे आपने जो नंबर दिया है वही इसमें भी दर्ज करना है। तो ये कर रहा हूँ। आपसे दोबारा नंबर मांगूंगा, सॉरी। अपने दोबारा नंबर को रिसर्च कर लेना। तो नेक्स्ट आपने यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने याद रखें जो ईमेल आपने बैंक में रजिस्टर करवाई हुई है वही आपने यहाँ दर्ज करनी है। अदरवाइज अगर आपकी ईमेल रजिस्टर नहीं है अकाउंट में तो आप बैंक में जाएँ और वहाँ अपनी ईमेल रजिस्टर करवाएँ, वो एक दो दिनों में अपडेट कर देंगे तो फिर आप यहाँ आकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, ये दोबारा कंफर्म यहाँ वही ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा यहाँ आपने डेट ऑफ बर्थ जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है वही लिखनी है। इसके अलावा आपके पास एटीएम कार्ड जो बना हुआ है उसका नंबर जो डेबिट नंबर है वो आपने यहाँ लिखना है और उसकी एक्सपायरी की डेट जो है वो आपने यहाँ दर्ज कर लेनी है। और नीचे आपने जो डेबिट कार्ड पिन है जो आप एटीएम मशीन में कार्ड डालते वक्त जो पिन आपने रखी हुई है वो आपने यहाँ दर्ज करनी है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, वहाँ आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा। तो उस कोड को आपने नेक्स्ट ऑप्शन में वहाँ दर्ज करना है और वहाँ कंटिन्यू कर देना तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।